नमस्कार दोस्तों, आरसीएम जॉब न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में सरकारी नौकरी से जुड़ी विभिन्न भर्तियों के बारे में चर्चा करेंगे, जो सभी समाचार पत्रों पर छाई हुई है और आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को किस प्रकार से सब्सक्राइब करना है आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं। आज की पहली खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की विभिन्न भर्तियों पर सीबीआई जांच चल रही है। उसी में से एक भर्ती परीक्षा है पीसीए 2015, जिसके बारे में मेरे द्वारा आपको कल ही जानकारी दी गई थी और आपको बताया गया था कि पीसीए भर्ती परीक्षा 2015 में किस तरह से अनियमितता की गई है, गलत तरीके से अभ्यर्थियों के नंबर बढ़ाए गए हैं और उन्हें उच्च पदों पर चयनित कर दिया गया है। आपको बता दें कि 5 दिन तक प्रयागराज में रहकर जाँच करने वाली सीबीआई की टीम दिल्ली लौट गई। जांच में सीबीआई को पीसीए 2015 की तरह अपर निजी सचिव की भर्ती में भी व्यापक खामियां मिली हैं। इन भर्ती परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अधिकारी वही हैं जिन्होंने पीसीए 2015 में अनियमितता की थी। उन्होंने ही अपर निजी सचिव भर्ती 2010, 2013 और 2015 की भर्ती परीक्षाओं में धांधली कराई है। सीबीआई ने अपर निजी सचिव भर्ती परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दर्जन भर अफसर व कर्मचारियों को दिल्ली स्थित मुख्यालय पर तलब किया है। इसमें कुछ होली के बाद आएंगे और कुछ होली के पहले। आपको बता दें कि पीसीए 2015 के बाद सीबीआई को अपर निजी सचिव की भर्ती में खामियां मिली हैं। सीबीआई करीब 1 साल से जांच कर रही है। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो पूर्व अधिकारी हैं, जिनका नाम है, उन्हें जब दिल्ली मुख्यालय पर बुलाया गया है सीबीआई के द्वारा, सीबीआई उनसे क्या पूछताछ करती है और उनका जवाब क्या होता है, यह देखने वाली बात होगी। आगे कोई भी जानकारी होगी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। दूसरी खबर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर है। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में 60% और 65% 40% और 45% कटाप को लेकर विचाराधीन है। मंगलवार को हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई हुई और फैसले को सुरक्षित कर लिया गया, लेकिन अभ्यर्थियों के मन में सवाल है और संशय बना हुआ है कि फैसला क्या होगा, 60% और 65% 40% या 45%। इसके बारे में तब तक अभ्यर्थियों के मन में संशय बना रहेगा जब तक हाईकोर्ट के द्वारा अंतिम फैसला ना सुना दिया जाए। आपको बता दें कि हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में राज्य सरकार समेत अन्य अभ्यर्थियों की विशेष अपीलों पर मंगलवार को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया। कोर्ट अब इन पर अपनी निर्णय सुनाएगी। इनमें एकल न्यायाधीश के उस फैसले व आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें भर्ती परीक्षा में न्यूनतम अर्हता अंक समान वर्ग के लिए 45% और आरक्षित वर्ग के लिए 40% रखे जाने का निर्देश सरकार को दिए गए थे। बीते साल की शुरुआत में हुई भर्ती परीक्षा के तुरंत बाद राज्य सरकार ने इसमें अर्हता अंक समान वर्ग के लिए 65% और आरक्षित वर्ग के लिए 60% तय कर दिए, जिसके खिलाफ एकल पीठ में कई याचिकाएं दायर की गईं और उक्त निर्देश दिए गए। लेकिन सवाल उठता है कि जो मामला काफ़ी समय से विवादित था, जिस पर फैसला अब जाकर सुरक्षित हुआ है, आखिरकार अंतिम फैसला क्या होगा? आप सभी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, आपकी राय हमारे लिए सर्वमान्य होगी। तीसरी खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आरओ एआरओ भर्ती 2020 के विज्ञापन को लेकर है। कई प्रतियोगी छात्रों ने आरओ एआरओ भर्ती 2020 के संबंध में सवाल पूछे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि सर, चर्चाएं हैं कि आरओ एआरओ 2020 का जो विज्ञापन जारी होगा उसमें पदों की संख्या काफ़ी कम रहने वाली है, क्या पदों की संख्या बढ़ सकती है या नहीं? इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं और आप सभी को मालूम भी होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कई अहम बदलाव किए हैं। उसी में से एक बदलाव है ओवरलैपिंग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों में ओवरलैपिंग खत्म हो चुकी है, यानी किसी भी भर्ती में अनारक्षित सीटों पर उस आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी का चयन नहीं हो सकेगा जिसने भर्ती के किसी भी चरण में आरक्षण या फिर अन्य किसी छूट का लाभ लिया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यह प्रस्ताव दिसंबर 2019 में पारित हुआ। पारित होने के बाद अधिक पदों का पहला परिणाम जारी हुआ
और उसमें कुल पदों में से 146 पद खाली रह गए। पद खाली रहने पर आयोग का कहना है कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले, लेकिन असल वजह क्या है आप सभी को मालूम होगा। 146 पद जो खाली रह गए उसका मात्र एक कारण था, ओवरलैपिंग। आपको बता दें कि ए आर ओ 2020 का जो विज्ञापन जारी होगा उसमें पदों की संख्या बढ़ेगी या नहीं। मैं आपको बता दूं, पद तो बहुत खाली हैं क्योंकि लंबे समय के बाद वैकेंसी आने जा रही है तो पद खाली होंगे। जो सूचनाएं हैं कि विज्ञापन 250 के करीब पदों पर जारी होगा, लेकिन यह बढ़कर लगभग 500 से 600 पदों तक जा सकता है।